अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी और निहायत आसान रेसिपी, मिनटों में तैयार हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है। आप लोग इसको बच्चों को बना के देंगे, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। कोई गेस्ट आए तो आप जल्दी से झटपट से बना सकते हैं इसको। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मैं एक पैन में 250 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ 1 कप और 2 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ साथ साथ और इसमें यहाँ पे हम इलायची भी ऐड कर रहे हैं, छोटी इलायची, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। इलायची इसमें शामिल हम इसी नहीं करते, इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाती है इससे। और अब हम इन दोनों चीज़ों को इसमें अपने दूध और पानी में पकाएंगे। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है आपको इसमें। और इस गुड़ को हमें इसमें अच्छे से पकाना है कि हमारा इतना कि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए इसके अंदर ही। यहाँ पे मैं इसको ढक भी रही हूँ, थोड़ी सी देर में इसको 5 मिनट तक ढक दूंगी, ताकि गुड़ हमारा इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, क्योंकि स्टीम में थोड़ा जल्दी मेल्ट होगा हमारा गुड़। देखिए यहाँ पे हमारा गुड़ तकरीबन मेल्ट हो चुका है। ये देखें इसका कलर, देखिए कितना प्यारा आया है गुड़ का इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी छुआरे जो हमने पानी में भिगो रखे थे पहले ही। यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद छुआरे शामिल किए हैं। इसमें मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है। इन सब चीजों को साथ में पकाना है हमें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपने चावल। यहाँ पे जो मैं चावल शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम है, सेला चावल है। इनको मैंने पहले ही 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें पहले ही। अब इन सब चीजों के साथ मुझे इन चावलों को भी पकाना है। थोड़ी सी देर में इसको ढक के पकाऊंगी 5 मिनट तक। तो यहाँ देखें हमारे चावल, देखें यहाँ पे काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। हम इसको इसी तरह दम लगाएंगे, क्योंकि जो गुड़ के चावल होते हैं इसको हम बिल्कुल खुश्क करके इसका पानी दम पे नहीं रखते, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी रखना पड़ता है। जिस तरह इधर है पानी, हम इसको इसी कंडीशन में यहाँ पे दम पे रखेंगे, इससे हमारे चावल थोड़े ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ हमारे चावलों को 20 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए, हम इसको चेक करेंगे। हमारे चावल बिल्कुल गल चुके हैं और यहाँ पे ये रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं हमारे यहाँ पे चावल। अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह, देखें गुड़ का कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे चावलों में और इसकी खुशबू तो बे इंतहा मज़ेदार है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।